अपने चैनल से जुड़े रहने हेतु फ्री में सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस घंटी पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइट ड्रिलिंग के बारे में, ठीक है। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है ऐसा, एंड मतलब अभी महसूस किया है, मेरे कम से कम 17-18 कुछ तो भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए होंगे, तो अभी तक मैंने देखा है कि व्यूज़ तो बहुत आते हैं, ठीक है। मतलब हर एक वीडियो का अलग अलग व्यूज़ है, किसी पे 100, 200 ऐसा, ठीक है, 50, 14, 20 जो भी जो कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन जितने व्यूज़ आते हैं उतना लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते वीडियो, ठीक है, और उसको लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों, ये कोई भी चीज़, कोई भी बंदा यूट्यूब पे आके कुछ कुछ ना कुछ वो मेहनत दिखाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मेहनत करता है, चाहे आप उसका कंटेंट आपको अच्छा ना लगा हो तो उसको डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको आपके मन में उसके लिए कुछ अच्छे सुझाव हो, या फिर कुछ आपको कुछ उससे ज़्यादा कुछ और अच्छा अच्छा चीज़ मतलब बनाने के लिए आपके पास कोई सजेशन हो तो आपने वो देना चाहिए उसको, ठीक है। तो आप कमेंट भी आपने करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, या फिर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी करना चाहिए, ठीक है। तो वो डिसलाइक भी उसके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। वो जो भी यूट्यूबर है, जो भी कंटेंट बनाता है, तो उसको एक समझ में आता है कि नहीं यार, कुछ तो भी मतलब थोड़ा बहुत कुछ हम मतलब वो उसने उसके वीडियो की गलतियाँ ढूंढने लगता है, ठीक है। तो आगे वो प्रिपेयर हो जाता है कि नहीं, हमें ये चीज़ पिछले वीडियो में ऐसा ऐसा हुआ है अपना, तो आगे वाले वीडियो में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर आपको कंटेंट देता है, या फिर कोई भी नॉलेज देता है, या फिर कोशिश करता है देने की, चाहे वो आपके काम की इंफॉर्मेशन हो या ना हो, ठीक है, तो आपको उसको रिएक्ट जरूर करना है, ठीक है, उसके ऊपर। उससे क्या होता है कि उसको भी मतलब कुछ ना कुछ सुझाव मिल जाते हैं आपके वजह से, और अगर उसको अच्छे लाइक मिले और सब्सक्राइबर मिलेंगे तो उसको एक एक मोटिवेट हो जाता है वो, ठीक है। तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करता है, और भी अच्छा अच्छा मतलब उसका रेगुलेशन जो है वो बना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, चैनल का किसी भी कोई भी अगर आपको वीडियो आप किसी का भी देखते हो, मेरा ही नहीं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत भाई लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों का आप वीडियो जब देखते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, थोड़ा भी फीलिंग आता है कि नहीं यार, ये बंदे से हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब नॉलेज या फिर सिंपल सा इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है। और आपने अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ है जो इसका वीडियो हमें देखना चाहिए, ठीक है, तो यही चीज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना है, ठीक है आपको, और नोटिफिकेशन भी क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो सब्सक्राइबर जब करने का टाइम आता है, हर एक वीडियो में कोई ना कोई बोलता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर, कमेंट वीमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ बोलते हैं। तो ये कोई भी आपका इसमें कोई भी लॉस नहीं है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे 100% श्योर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल भी फ्री है, इसमें कोई भी आपको कॉस्टिंग का या फिर कुछ पे करना नहीं होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप अगर उसका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप उसके चैनल का एक हिस्सा बन जाते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो बंदा कोई भी वीडियो बनाता है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी वीडियो बनाता है, तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भी आता है, और आपको मतलब आप मिस नहीं करते, या फिर लेट जो चीज़ आपको लेट में पता चलती है वही आप सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत पता कर मतलब आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो आपको तुरंत उसका वीडियो देखने के मिलेगा, ठीक है। तो ये एक माइंड में से एक निगेटिविटी निकाल दीजिए कि आपको कुछ पे करना है या फिर कुछ उसका पैसा लगता है सब्सक्राइब करने का वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई सोचता है कि यार हम इसका चैनल क्यों शेयर करें, ऐसा यार ये सोच तो हमें बदलनी है, यही सोच हमें हमारे लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। वो कैसे, अगर एक आधा समझ लीजिए कि आप इस नज़रिए से देखते हो कि यूट्यूबर को मैं क्यों मदद करूं, उसका वीडियो मैं क्यों शेयर करूं, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचते हुए आप ऐसा सोचिए कि अगर आपने वो वीडियो
कुछ आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं एक सिविल लाइन का नॉलेज देता हूँ ठीक है मेरे वीडियो में, अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा भी नहीं यार ये बंदा थोड़ा सा हटके ही नहीं क्या, ऐसा थोड़ा बहुत ज़्यादा टेक्निकल टेक्निकल नहीं लेता है, तो थोड़ा कुछ तो भी ऐसा मतलब एकदम सिंपल सिंपल से लॉजिक में कुछ तो भी समझाने की कोशिश करता है हर बार, तो आपको आपका फर्ज क्या बनता है कि आपकी रिलेटिव है, बहन है, भाई है, या भी रिश्तेदार है, कोई भी दोस्त लोग है जो कि ये फील्ड में होंगे ठीक है, तो आपका एक वीडियो की वजह से अगर उसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज हर किसी के पास है दोस्तों, सिर्फ शेयर शेयर होना चाहिए और ज़्यादा डीपली सबको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो शेयर कर दिया तो मान लीजिए वो दोस्त ने देखा या फिर आपके रिलेटिव ने देख लिया ठीक है, आप कुछ मत करिए सिर्फ शेयर कर दीजिए, वो क्या करेगा, उसको अगर थोड़ा सा उसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगा कुछ अच्छा, किसी का अगर भला हो सकता है यार, कोई अगर उसको नॉलेज या फिर कोई तो भी मतलब कुछ नॉलेज मिलता है अगर आपके वजह से, तो ये अच्छी चीज़ है, तो ये बेझिझक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मेरा या फिर जो भी आपको अच्छे लगते हो जिनके आप फॉलो मतलब वीडियोस देखते हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी फ्री है, और शेयर भी कीजिए, मदद हेल्पिंग हैंड होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके कुछ काम की नहीं है वीडियो तो ये दूसरों को जो भी ये फील्ड में रहते अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग नॉलेज देते, तो जो भी फील्ड में अगर आपको जो भी फील्ड का एक वीडियो मिलेगा तो वो वही फील्ड वाले किसी आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार दोस्तों इन लोगों में आप शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक भी करना चाहिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए, और कुछ सुझाव देना चाहते हो किसी को, नहीं यार ये बंदा बन सकता है अच्छा है, तो उसको आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो दोस्तों कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा तो आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा, चलिए हम अपना वीडियो साइट रीलिंग के तरफ बढ़ते हैं, धन्यवाद। दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी है ठीक है, जो कि सेटरलिंग के बारे में है। इसके कुछ प्रॉब्लम भी रहते हैं ठीक है, प्रॉब्लम्स मतलब क्या है कि कुछ मैथमेटिक है ना, इसका उसका इसका क्वांटिटी निकालना या फिर कोई भी कैलकुलेशन से वो भी रहते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इसके बेसिक्स या फिर जो भी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है तो वो चीज़ें है क्या ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूँ तो आपको एक बताऊंगा भी ठीक है। लेआउट प्लान के मुताबिक हमें जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन करना होता है ठीक है, मतलब जो भी हमारा प्लॉट है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट खड़ा करना है ना, तो वहाँ पे उस प्लॉट का ठीक है, उस प्लॉट का एक्चुअल मेजरमेंट लेना चाहिए हमें ठीक है। वो भी मैं पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत उसके बारे में बोल चुका हूँ ठीक है। तो ये मतलब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये आप इसको मतलब ऐसा ये ना समझिए कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, मतलब बोर होता है या फिर क्या ये क्या लगा रखा है ये, लेकिन ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आप ने अगर थोड़ा अगर नज़रअंदाज कर दिया एक दो पॉइंट इधर उधर हो गया तो ये आपको मतलब इतना 3 4 साल 5 साल हाँ ठीक है, इतना पढ़ाई करने के बाद कोई एक अनपढ़ आदमी बिल्डर बन जाता है और वो आपको गाली गलौज कर देता है दोस्तों, ये एकदम सीरियसली लेने वाली चीज़ होती है ठीक है। तो मैं जो भी बात आपको बोलूँगा वो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी भी करना है, क्रॉस वेरीफाई भी करना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ तो वो भी जान लेना है, उसके लिए क्रॉस वेरीफाई करना है आपको भी ठीक है। लेकिन ध्यान में भी बहुत रखना है कि ये चीज़ है ठीक है इम्पोर्टेंट, तो वेरीफाई प्लॉट हमें करना है, एक्चुअल मेजरमेंट लेना है, 1 इंच भी अपना नहीं जाना चाहिए किसी और के प्लॉट में, किसी और का हमारे प्लॉट में आधा इंच भी नहीं आना चाहिए ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये सब देखना चाहिए ठीक है। तो ये कैसा करते हैं, कोई कोई कुछ कुछ जगह पे ऐसा रहता है, रूरल जगह वो जगह पे क्या रहता है कि समझ में नहीं आता है कि प्लॉट मतलब सभी प्लॉट 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 रहते हैं, उसको फेंसिंग नहीं किया रहता है कुछ नहीं, ऐसे खुले 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 पूरे खुले प्लॉट रहते हैं ठीक है। तो वो ऐसी जगह पे क्या करेंगे कि हमें हमारा एक्चुअल प्लॉट का मेजरमेंट लेने से स्टार्ट करने से पहले हमें एक
एकदम पुरानी पुरानी जो भी मतलब आइडेंटिटी रहती है पुरानी वाली, ठीक है, जिसको हम लैंडमार्क कहते हैं, ठीक है ना। तो लैंडमार्क ढूंढनी है हमें, ठीक है, जैसे कि मंदिर हो एक आधा पुराना, ये पुराना पेड़ हो, या फिर कोई गवर्नमेंट का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है ना, तो इनका, या फिर पंचायत का कोई लाल कलर वाला कुछ पत्थर गड़ा है क्या, ठीक है ना। ड्रेनेज लाइन देखना है, चैम्बर देखना है कि यहाँ से क्या कितना प्लॉट है, वो लेआउट में वगैरह नहीं क्या, ऐसा देखना चाहिए कि बराबर आ रहा है कि नहीं, ये बहुत सी चीज़ें रहती है। एक एक आधा एक वीडियो में आपको 100% जितने भी मैंने वीडियो बोले है कि मैं प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा, तो सभी में वीडियो आपको बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी एक प्लॉट पे मैं जाके आपको वो भी प्रैक्टिकली बना के दूंगा, ठीक है। और जानते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक कंस्ट्रक्शन प्लान हमें आर्किटेक्ट से गवर्नमेंट रूल के हिसाब से लेना होता है, ठीक है। तो क्या करना है कि हमें हमें जिस तरह का चाहिए, जैसे कि मुझे ये बेडरूम में बेडरूम ऐसा चाहिए, इतने बेडरूम चाहिए, ठीक है। एक आधा अपना पर्सनल प्लॉट हो या फिर बिल्डिंग भी बनाना हो, तो आप उनको उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आर्किटेक्ट साहब से आप डिस्कस कर सकते हैं कि साहब मुझे ऐसा ऐसा 1 BHK चाहिए, 1 RK के चाहिए, ठीक है, इतना इतना रूम का साइज होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि आप कमाने के हिसाब से भी उसको बोल सकते हो, या फिर खुद रहने के हिसाब से भी उनको बोल सकते हो। तो वो आर्किटेक्ट साहब उनके ऊपर स्टडी, मतलब अपने विचारों के ऊपर स्टडी करते हैं, फिर वो उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना के वो गवर्नमेंट रूल के मुताबिक वो सैंक्शन करवा के देते हैं हमें, ठीक है। प्लान उस हिसाब से बिल्डिंग का सिट आउट प्लान हमें आर्किटेक्ट साहब देते हैं, ठीक है। सिट आउट प्लान सबसे पहले मिलता है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेआउट तो अपने पास रहता है, ठीक है, प्लॉट का, उसके बाद बिल्डिंग सिट आउट प्लान रहता है आपका ये डिस्कशन होने के बाद, ठीक है। और एक चीज़ भी मैंने बोला था, SBC होने के बाद, वाटर टेस्ट होने के बाद भी बाद ही हमें आगे का पूरा प्लान वगैरह लेना है, ठीक है। तो सिट आउट प्लान हमें मिल गया, जिसमें 4 डायरेक्शन रहते, ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसे 4 डायरेक्शन उसमें रहेंगे, ठीक है, प्लॉट का जो भी। तो अभी यानी प्रोजेक्ट की 4 बाउंड्रीज, ठीक है, शॉर्टकट में। अभी तीसरा पॉइंट अपना है वर्टिकल मुंडा, ऑन साइट मुंडा बोला जाता है दोस्तों, जो खड़ा रहता है ना लकड़ी का जाड़, जिसके ऊपर स्लैब डाली जाती है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं क्या, जिसको हम अभी वो MS का ये भी प्रॉप्स भी लगाते हैं लोग, ठीक है ना, जाक मुंडा वगैरह बोलते हैं। तो एक सीधी सी जो लकड़ी का रहता है अपने जो ऑन साइट, उसको मुंडा ही बोला जाता है, ठीक है। वो 6 फीट हाइट का होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल मतलब खड़े में जो भी आप मुंडा लगाने वाले हैं वो 6 फुट हाइट का होना चाहिए। सिल्वर पट्टी, ठीक है, सिल्वर पट्टी जिससे सिल्वर पट्टी से हम प्लाई भी बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, लाफा भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिल्वर पट्टी भी रेडीमेड मिलता है। सिल्वर पट्टी 8 फीट की होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, 8 फीट की होनी चाहिए, ठीक है। वो सेंटर लाइन के लिए 8 फीट की यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, सिर्फ सेंटर लाइन मारने के लिए। नहीं तो फिर वो तो अलग अलग साइज़ में भी आप बोलेंगे, नहीं यार मैं साइड पे तो मेरे इतने इतने साइज़ की भी पड़े हैं टुकड़े वगैरह, वो तो लाफा वगैरह, चाबी बीबी मुंडा कुछ भी उसका वो यूज़ को होता है बाद में प्लाई बनाने के लिए या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ये सेंटर लाइन के लिए चालू है, ठीक है ना, हमारा स्टेप बाय स्टेप चालू था ना, ठीक है। तो 8 फीट का पट्टी होना चाहिए, ठीक है। अगर सिल्वर पट्टी अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है, या फिर नहीं उसका कॉस्टिंग और नहीं बढ़ाना चाहते, तो मुंडे में भी आप, मतलब मुंडा क्या है, वही जो लकड़े वाला मैं आपको बोला था, जो प्रॉप्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर जाक मुंडा वगैरह बोलते हैं, लेकिन लकड़े का अभी वो भी रहते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी साइट ड्रिलिंग का चालू है ना, तो साइट ड्रिलिंग में लोहे का कोई काम नहीं है। मुंडे में भी हम साइट रेलिंग ठोक सकते हैं, ठीक है। तो उसका अगर पट्टी नहीं है, पॉइंट देखना दोस्तों, अगर सिल्वर पट्टी हमें हमें हम यूज़ नहीं करने वाले सेंटर लाइन के लिए, और उसके बजाय हम मुंडे में ही अगर अपना रेलिंग साइट रेलिंग ठोकने वाले, तो उसके लिए जो भी वर्टिकल मुंडा रहेगा, ठीक है, वर्टिकल मुंडा 10 फीट हाइट का होना चाहिए, ठीक है।
अभी उसके बाद पॉइंट आता है साइट रेलिंग का प्लिंथ लेवल तक रखना है हमें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, साइट रेलिंग हमें प्लिंथ लेवल जब तक कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, जब तक प्लिंथ लेवल कंप्लीट नहीं होती है हमारी, तब तक ये साइड रेलिंग ऐसे ही रहनी चाहिए। मतलब कि जो भी बाउंड्री हमने मारी है, जिस बाउंड्री के ऊपर हमारा पूरा सेंटर लाइन छपा है, बराबर, तो वो प्लिंथ लेवल कंप्लीट होने तक रखनी है, ठीक है। कम से कम 30 दिन ऐसा कुछ होता है, 30 दिनों में या फिर अपना प्लिंथ तकरीबन हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद सिट आउट प्लान मिलने के बाद में साइड रेलिंग ठोकने के लिए फुटिंग का साइज से 2 फुट ज़्यादा एक्सकेवेशन करना चाहिए। फिर से एक बार दोहराते हैं, सिट आउट प्लान मिलने के बाद साइड रेलिंग ठोकने के लिए, हाँ, मतलब रेलिंग ठोकने के लिए फुटिंग का साइज समझ लीजिए 400 बाय 400 है, ठीक है। तो फुटिंग के साइज से 2 फुट ज़्यादा एक्सकेवेशन करना चाहिए। मतलब अभी कितना होगा, 400 बाय 400 का अगर हमारा फुटिंग है तो 600 बाय 600 का हो जाएगा अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम दोस्तों 2 फुट ज़्यादा खोदाई करते तो जाहिर सी बात है कि हमें जो भी काम करना है फुटिंग के लिए, प्लाई लगानी है साइड ने, कि आउट मतलब साइड्स लगते हैं प्लाई की, ठीक है ना, कास्टिंग करने के लिए, जो भी अपना ये रहता है कंक्रीट का काम करने के लिए, ठीक है ना, और उसको सपोर्ट भी रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा सपोर्ट लगाते हैं। समझ लीजिए कि ये एक आधा फुटिंग है, ठीक है, तो इधर से भी सपोर्ट लगते हैं, ये साइड से भी सपोर्ट लगते हैं, ये साइड से भी सपोर्ट लगते हैं, ठीक है, और ये प्लाई होता है ना, ठीक है, फुटिंग कास्ट करने के लिए प्लाई रहता है जो कि माल को रोक के रखता है अंदर, ठीक है ना। तो ये 2 फुट हमें जो लोग काम करते हैं उनके लिए जगह भी रहती है और सपोर्ट भी हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करना है, ठीक है, फेस टू फेस कभी एक्सकेवेशन नहीं करना है। और उस 2 फीट से हमें एक्सकेवेशन का जो 2 फुट बड़ा है, मतलब अभी जो 400 बाय 400 का था, अभी वो 600 बाय 600 का हुआ, अभी वो 600 600 से, और सॉरी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2 फुट मतलब 600 होता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 300 mm और 300 mm, ठीक है। तो 400 बाय 400 का अगर फुटिंग होगा हमारा तो ये हो जाएगा 1000 बाय 1000 का, ठीक है, 1000 बाय 1000 का, ठीक है, 1000 बाय 1000 का फुटिंग हो गया हमारा, खोदकाम हो गया, खोदकाम मतलब 1000 1000 से और 2 फुट हमें दूर, मतलब लंबा, उससे 2 फुट और लंबा हमें साइट रेलिंग बनानी चाहिए। मतलब जो भी हम मुंडा लगाने वाले वो ये फुटिंग से, ठीक है, ये वाला फुटिंग मतलब ये 1000 बाय 1000 है, ठीक है, 1000 mm बाय 1000 mm का हो गया अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला हो गया तुम अपना फुटिंग, ठीक है, ये फुटिंग आ गया, ये हमने 2 फुट बढ़ाया था काम करने के लिए जगह, ठीक है। यहाँ से अभी फिर से 2 फुट छोड़ना है, ठीक है, 600 mm, और यहाँ से हमारी ये लगेगी वर्टिकल मुंडा, ठीक है, ये साइड रेलिंग 2 फुट बढ़ा के, हाँ, ये चारों बाजू ऐसा ही होगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही, ठीक है, ऐसा ये वाला अपना साइड ट्रेलिंग होगा, उससे भी 2 फुट ज़्यादा। अभी अगला पॉइंट जानते हैं, साइड ट्रेलिंग के लिए जो मुंडे हमारे गड़े रहते हैं, ठीक है, जो हम गाड़ते हैं जमीन के अंदर, ठीक है, मुंडा, वो 90 डिग्री में होना चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 90 डिग्री में हो, क्योंकि मैं भी एक ऑन साइट काम करने वाला ही बंदा हूँ, ठीक है, ये पॉसिबल तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ जो MS के मटेरियल होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट होता है, लेकिन बहुत सी जगह है दोस्तों कभी कम ज़्यादा या फिर मटेरियल का वेस्टेज भी बहुत होता है कटिंग बिटिंग के लिए, तो थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है एडजस्ट, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि 90 डिग्री में वो मुंडा हो सके, ठीक है। मुंडा गढ़ने के बाद हमें जो सिल्वर पट्टी फिटिंग करनी है, ठीक है, वो ट्यूब लेवल में हमें लगानी पड़ती है ना। अभी ये देखिए यहाँ पे,
ये जो मुंडे गड़े मैंने एक थोड़ा सा फिगर किया था, ठीक है ना, ये मुंडे सब सब ये रेलिंग है, ठीक है, चारों बाजू। तो ये ऐसा एक पट्टी लगता है ना, जिसके ऊपर हम नेल्स नहीं क्या, किले की मदद से यहाँ पे एक खिला मार देते हैं, यहाँ पे मतलब ये कॉलम के ऐसा सेंटर वगैरह निकालने के लिए, ठीक है, दोरी लाइन दोरी बांधने के बाद बांधते हैं फिर वो किले की मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ से वो लंबा प्लम नीचे छोड़ते हैं तो उसका सेंटर मिल जाता है हमें कॉलम का, ठीक है ना। तो ये पट्टी का मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये पट्टी जो है, ये सिल्वर पट्टी, ये हमें ट्यूब लेवल में, ठीक है ना, ट्यूब लेवल जो ऐसा रहता है, ठीक है ना, वो भी एक शेप बना देता हूँ। अगर कोई नया दोस्त अगर ये वीडियो देख देख रहा होगा तो उसके लिए ये एक लेवल का एक फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला समझो, ये समझ लीजिए ये पानी है ना, ये वाला पानी है, ये तो ये समझ लीजिए कि ये पट्टी है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये पट्टी। तो पानी देखो, दोनों ये वाला पट्टी का ये हिस्सा और ये एक हिस्सा, ठीक है। तो दोनों हिस्सों के पास में इधर भी पानी आके रुका है, इधर भी पानी आके रुका है, मतलब क्या है, ये ट्यूब एक लेवल में है और ये पट्टी भी इसी लेवल के मुताबिक हमें लगानी है साइड रेलिंग में, ठीक है। तो इसका भी ज़रा ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। और उसका 180 डिग्री भी बन जाता है, ठीक है ना, उसका 180 डिग्री भी बन जाता है, जमीन के वो पट्टी जमीन के साथ में 180 का कोण बना लेती है, ठीक है, एंगल बना लेती है। साइड रेलिंग कंप्लीट होने पर उसके बाद सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से, ठीक है, साइड रेलिंग जब हमारी कंप्लीट होती है उसके बाद में सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से लाइन दोरी के मदद से हमें प्रोजेक्ट का डायगोना तय करना होता है, ठीक है, डायगोनली सेट करना पड़ता है। वो कैसे होगा, जो कि मैं अभी अभी ये भी आपको एक बना मतलब शॉर्ट अभी थोड़ा सा समझा के बोला था ना, ये ऑटोमेटिकली उसका सेंटर निकलने के बाद वो डायगोनली सेट हो जाता है, ठीक है। और एक्सेस और वाई वाई एक्सेस पे, ठीक है, एक्सेस और वाई वाई एक्सेस पे, मतलब एक्सेस वाई वाई, ठीक है, एक्सेस वाई वाई एक्सेस पे कॉलम कॉलम के सेंटर हमें उस रेलिंग के सिल्वर पट्टी पर मार्क करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिल्वर पट्टी पे मार्क करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसके बजाय आप खिला भी मार सकते हो, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे बोला था खिले की मदद से हम लाइन दूरी मारते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मार्किंग करने के बजाय हम उस पर खिला भी मार सकते हैं सिल्वर पट्टी पे, ठीक है, जो कि कॉलम का सेंटर होगा वो। और अभी हमारी सेंटर लाइन ड्राइंग साइड रेलिंग पर कायम हो चुकी है, ठीक है। अभी हमारी सेंटर लाइन ड्राइंग जो भी थी वो साइड रेलिंग पे हमने उस पे साइड रेलिंग पे हमें हमने उसका रेफरेंस लगा दिया है खिले के मदद से या फिर परमानेंट मार्केट मार्कर के मदद से, ठीक है। तो इसके मुताबिक उन नेल्स में खिला जो खिला है, ठीक है, उन खिलों में अगर लाइन दूरी लगाकर सभी कॉलम की एक्सेस और वाई वाई, ठीक है, सभी कॉलम के एक्सेस और वाई वाई एक्सेस की मदद से हमें सभी कॉलम के सेंटर मिलेंगे, ठीक है, वो भी मैं बोल चुका हूँ लेकिन अभी ये लिखा है तो पढ़ना भी पड़ेगा दोस्तों। हमें साइड रेलिंग के लिए कितने मुंडे कितने पट्टी लगेंगी ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसके क्वांटिटी उसके उसकी क्वांटिटी भी हमें हम निकालेंगे और क्वांटिटी में थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं। अभी ये क्या बात हुआ, आप सोचेंगे यार क्वांटिटी तो हम निकालने वाले, अभी मैंने भी आपको बोला कि मैं अगले वीडियो में आपको इसके कैलकुलेशन कुछ प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, ये क्वांटिटी वगैरह कैसे निकालते हैं उसके भी मैथमेटिक्स भी रहते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो आप अभी अभी लास्ट में आके आप बोल रहे हो कि उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये चेंजेस मतलब ये साइड के ऊपर डिपेंड करता है, उसका अलग अलग कंडीशन जैसे होता है, ठीक है, हीवी लाइट जैसा भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका क्वांटिटी में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है वही मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे क्वांटिटी निकालना है, कितना हमें साइड रेलिंग के लिए मटेरियल निकालना है, तो ये
सब कुछ हम जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये एकदम बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल भी फ्री है। और उसके बाजू में बेल आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक करिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों, हेल्पिंग हैंड इस नेचर के, ये इस नेचर हमें अपने अपनाना है, यही नेचर हमें अपनाना है हेल्पिंग हैंड का। तो आपके रिलेटिव या फिर दोस्तों में या फिर कोई भी जान पहचान वाला हो जो कि सिविल लाइन से रिलेटेड हो, तो उसको आप ये थोड़ा सा शेयर बटन पे क्लिक करके उसको शेयर भी कर दीजिएगा। आपका कुछ नहीं, 1-2 मिनट, एक मिनट भी नहीं जाएगा, पूरा कुछ सेकंड जाएंगे। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा आपकी वजह से मतलब इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है दोस्तों। तो ये नेचर ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।